स्टार भारत के सीरियल एक थी रानी एक था रावण में हमें देखने को मिला रानी और रावण दोनों का कूल कूल फोटोशूट। वैसे हम आपको बता दें कि अब शो में रानी का किरदार मैं मायके चली जाऊंगी की जया यानी सृष्टि जैन निभाएंगी। कभी मेरी दुर्गा तो कभी मायके में आपने इन्हें देखा है। प्लीज वेलकम सृष्टि जैन। वेलकम टू सासुर बेटिया। कैसी हो तुम? बढ़िया, बहुत अच्छी। सो आज नया रूप, नया लुक, नया शो, वी वुड लव टू नो एवरीथिंग अबाउट इट कि ये जो नया नवेला शो है कौन सा है, क्या खास होने वाला है? तो बेसिकली आपने पहले ऑलरेडी रानी को देखा हुआ है, रानी का चेहरा देखा हुआ है। अब रानी में बहुत सारा बदलाव आ रहा है। रानी एक नया जुनून, नया जज्बा लेकर आ रही है और अपने लिए इंसाफ लेने आ रही है बेसिकली। और यू आर गोइंग टू सी हर बीइंग स्ट्रॉन्गर देन शी वाज बिफोर एंड मोर फियर्स देन शी वाज बिफोर। एंड कहते ना एक नई पहचान के साथ थोड़ा रंग रूप भी बदलना चाहिए, तो रंग रूप भी बदल लिया है। तो बस दैट्स इट। सो स्टार भारत का नया शो है ये एक थी रानी एक था रावण, जो ऑलरेडी लोग देख ही रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और इस शो में बीच में एंट्री लेना, क्योंकि सृष्टि हमेशा ऐसा होता है कि एक ऑलरेडी शो एस्टैब्लिश होता है उसमें एक नए किरदार के रूप में जाना, स्पेशली एज अ लीड रिप्लेस करते हुए जाना। सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? इट विल बी डिफ़िकल्ट, टफ होगा किसी के शूज़ में स्टेप इन करना, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी, पूरी शिद्दत से कोशिश करूँगी। एंड आई होप कि आपने जितना प्यार पहले दिया उतना ही प्यार अभी भी दे। सृष्टि, ये रानी का जो किरदार है, जैसा आपने कहा, शी विल बी मोर फियर्स एंड बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होने वाली है। सो क्या होने वाला है शो में, कैसा ट्रैक जाने वाला है एंड ऑल? देखिए, अभी मैंने शूट करना तो शुरू किया नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, मुझे भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, वो आपको देखना पड़ेगा। पर हाँ, मुझे इतना पता है कि बहुत सारा चेंज आ रहा है, तो ये देखने के लिए ऑडियंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वैसे साथ ही हम बात करें तो आज फोटो शूट हुआ है, सो आई एम श्योर आपका लुक डिफरेंट रहा है। उसमें साड़ी में सृष्टि होती थी, अभी सूट में सृष्टि नज़र आ रही है। सो वी वुड लव टू नो अबाउट योर लुक। तो लुक तो इट्स सिंपल ओनली, इट्स जस्ट द कलर इज वेरी प्रिटी, दैट्स माइन। तो लुक सिंपल है, फोटो शूट बहुत अच्छा था, कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट लाइक आई सेड फियर्स, तो इट्स डिपिक्टिंग फियर्स एंड बोल्ड कॉन्सेप्ट्स, बहुत अच्छे, बहुत यूनिक से आप देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड इट्स लाइक टेबल्स हैव टर्न सॉर्ट ऑफ एक कॉन्सेप्ट भी है, तो आप जब वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। मज़ा आया, इट वाज फन। सृष्टि, अभी हम कह सकते हैं कि आपका तीसरा शो बैक टू बैक है, मेरी दुर्गा देन मायके एंड नाउ एक थी रानी एक था रावण। सो इस शो में भी कुछ फैंटेसी दिखने वाली, बिकॉज नाउ अ डेज एवरीवन इज डूइंग दिस राक्षस एंड पिशाचिनी एंड डायन एंड ऑल दैट, तो इसमें भी रावण है, सो आर वी गोइंग टू सी समथिंग लाइक फैंटेसी? नो, दिस इज मोर ऑफ अ रियल लाइफ, यू नो, जैसे कुछ रियल लाइफ में भी आपके कहीं ना कहीं कोई रावण होता है, कोई राम होता है, कोई सीता होती है, सो वैसा ही कुछ है। हम अपने अपनी निजी ज़िंदगी में भी जैसे सर्टन ईविल से फ़ाइट करते हैं, सर्टन इनजस्टिस से फ़ाइट करते हैं, तो ये मोर ऑफ वैसी कहानी है एंड वैसे ही कुछ देखने को मिलेगा। तो अपने सारे फैंस और व्यूवर्स को आप क्या कहेंगी, कितना मज़ा उन्हें आने वाला है इस शो को देखने में? और एक चीज़ है कि मैंने आज तक ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया, आपने मुझे हमेशा बहुत ही बबली चौपी सा कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा, ये थोड़ा और इंटेंस है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आप सब ने आज तक इतना प्यार दिया है, तो आई एम होपिंग कि इसको भी, रानी को भी उतना ही प्यार दें, एंड आई नीड योर ब्लेसिंग्स। सृष्टि की पर्दे के पीछे की ढेर सारी बातें तो सासुर बेटी आपको डेफिनेटली बताता ही रहेगा, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नया नया शो, ऑल द बेस्ट। सो डू नॉट मिस टू वॉच एक थी रानी एक था रावण ओनली ऑन स्टार भारत, एंड कीप वॉचिंग योर फेवरेट शो सासुर और बेटिया। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ श्रुति बर्जात, मुंबई आज तक।